ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। आज जो नाटक हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसका शीर्षक है कसाई बना बकरा। ये नाटक शिवेंद्र कुमार मिश्र की इसी शीर्षक से लिखी कहानी का नाट्य रूपांतर है। रेडियो नाट्य रूपांतरकार और निर्देशक हैं विनोद कुमार। ये नाटक उन डॉक्टरों के ऊपर एक कटाक्ष है जो रुपयों के खातिर अपने नेक व्यवसाय का नाम बदनाम करते हैं। तो लीजिए सुनिए नाटक कसाई बना बकरा। यूं तो मैं आज की कहानी का एक पात्र हूं और बीच में ही अचानक अवतरित हो जाऊंगा, इसलिए सोचा कि क्यों ना अभी आपसे अपने परिचय की औपचारिकता पूरी कर ली जाए। मैं एक आम आदमी हूं, आप ही की तरह खुश और आप ही की तरह उदास। कथा का रोमांच बना रहे इसलिए यह तो नहीं बताऊंगा कि आगे क्या होने वाला है, पर इतना जरूर कहूंगा ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ये आपकी भी कहानी है, आपका भी दर्द है। आज की कहानी मेरे शहर के एक चौराहे से शुरू होती है। आप वहां पहुंचिए, मैं जल्दी आपसे मिलता हूं। अरे इसके तो सिर में चोट लगी है, सिर में चोट लगी इसके। हेलो हेलो, इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विस। हाँ जी। अरे भैया, सुंदरलाल कॉलेज के सामने एक्सीडेंट हो गया है, ट्रक वाला एक बाइक पर बैठे दो लोगों को ठोक कर चला गया है। आप ऐसा कीजिए, जल्दी आ जाइए। ठीक है जी, एम्बुलेंस पहुंच रही है, तब तक आप पीसीआर या ट्रैफिक पुलिस को भी फोन कर देना जी। ठीक है भाई साहब, ठीक है, मैं एम्बुलेंस भेजता हूँ। हेलो डॉक्टर गुप्ता, ठाकुर बोल रहा हूँ। ठाकुर बोल। तुम्हारी कोई एम्बुलेंस नवाबगंज साइड में है अभी? हाँ, है ना, वो पप्पू धरी है। क्यों, क्या हुआ? एक बकरे की खबर मिली है, कितना देंगे? ठाकुर अब रोज वही बात, दो तो देता हूँ ना तेरे को। ना ना, सीरियस केस है, पांच देते हो तो बोलो। अरे ठाकुर जी, अब इतना भी मुंह मत फाड़ो। ठीक है, किसी और को बोल देता हूँ। अरे अरे, नाराज हो गया तू तो ठाकुर, अब मैं पप्पू को बोल देता हूँ। अब तू एक काम कर, लोकेशन बता। लिख। अबे तू कैसे लेके जाएगा, ये मेरा एरिया है, समझा? अबे तसली पकड़, एरिया के तेरे बाप का है, पहले मैं पहुंचा था यहाँ, नहीं लेके जाऊंगा इन पेशेंट को। एक बता रहा हूँ, दिमाग की तही मत कर, वरना ऐसा ठोकूंगा ना। हाथ मत लगा, दूर हट। ना आया पर्रा कहीं नवाब हो रहेगा, जल्दी से हट। बात कर रहा है, अबे मेरी सरकारी अस्पताल की एम्बुलेंस है, फिर इसमें जाएगा पेशेंट, चल हट ले यहाँ से। नहीं जाएगा, मेरे साथ जाएगा। भाई साहब, अरे जरा मदद करो ना इसे चढ़ाने में। अरे अरे भाई साहब, मेरी बहन में चढ़ाओ ना। अरे मेरी बहन में चढ़ाओ जरा। अरे मदद कर दे ना, मैं जल्दी करके जाऊंगा प्लीज। अरे मेरी बहन में लगाओ। क्या हो रहा है? अरे अरे इंस्पेक्टर साहब, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट, बंदा मर रहा है और ये दोनों एम्बुलेंस वाले लड़ रहे हैं कि कौन लेकर जाएगा इन्हें। पेशेंट से क्या, मरे या जिए, इनके लिए तो ये बकरा है बकरा। इसे हलाल करने से पहले ही उसकी बोटियों का बंदर बात कर रहे हैं ये लोग। अरे भाई, इनके चक्कर में तो ये बंदा यही खत्म हो जाएगा। हाँ। ओए, बंद करो ये नाटक। अरे भाई छोड़ो, इन्हें, पास ही डॉक्टर गंगवार का क्लिनिक है, वही ले चलते हैं, बहुत खून बह रहा है इसका, फर्स्ट एड तो मिले कम से कम। सरकारी अस्पताल तक पहुंचते बेचारा मर जाएगा ये तो। एक काम करो, मिस्टर दबंग, शांत, ये पुलिस का मामला है, समझे?
ऐसे कैसे ले जा रहे हो, हम खड़े हैं ना यहाँ पे। तो आप भी आ जाओ, इन दोनों एम्बुलेंस वालों के मैं ले जाऊंगा के चक्कर में ये बंदा फोटो फ्रेम में नटक जाए। हाँ भाई देखो सुनो, या तो तय करो कि किस एम्बुलेंस में जाएगा और कहाँ जाएगा। ठीक है, ओ भाई तुम दोनों में से सरकारी अस्पताल के लिए मरीज ढोने वाला एम्बुलेंस किसका है? मैं हूँ सिपाही जी। तो फिर तू ले चल, चल चल उठा उठा भाई। जी जी हाँ, तू लेकर चलेगा डॉक्टर गंगवार के अस्पताल है। जी। चल दोनों इंजर्ड को ले चलो है? मैं साथ चल रहा हूँ तुम्हारे, आ जा, चल, 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 पर साहब जी समझा कर, पब्लिक है देख नहीं रहा। आप लोग चिंता ना करिए, जाओ जाओ अपने अपने रास्ते जाओ, हम इसके साथ जा रहे हैं। हाँ चलो भैया उठाओ उठाओ, चलो। क्या कर रहा है? अरे भाई हेल्प करो, अरे गर्दन के नीचे हाथ लगाना है, इधर इधर। हाँ आ जाओ भाई ले लो इसको, चलो। हाँ हो गया, खून नहीं बहेगा। अब भाई कौन लाया था पेशेंट? मैं लाया था सर। तू कौन है? मैं ड्राइवर हूँ एम्बुलेंस का, सरकारी अस्पताल के मरीज ढोता हूँ, पर हूँ गंगा कैलाश अस्पताल का। घर वालों को खबर दे दी है पुलिस वालों ने? हाँ जी, सिपाही जी ने इन्फॉर्म कर दिया था। अच्छा अच्छा, यार बाहर दूसरी एम्बुलेंस भी खड़ी है, क्या करूं? सर मैं ले जाता हूं ना गंगा कैलाश अस्पताल। सुन भाई भूलना मत, घाटा हो जाएगा। बीना मैडम को बोल देना कि पिछली बार की तरह गलती से एसपी गंगवार के खाते में मत चढ़ा देना। ये ले मेरा कार्ड जी, ये ले, देख से लिखा है मेरा नाम डॉक्टर पीएस गंगवार है, पीएस गंगवार। जी सर, ठीक है ना? हाँ जी, नाम इतना मिलता जुलता है आप दोनों का, इसलिए गड़बड़ हो जाती है सर। ले जा। वैसे डॉक्टर साहब दोनों पेशेंट की हालत कैसी है? देख एक तो निकल चुका है, दूसरे को कुछ खास हुआ नहीं है, सिर्फ कलाई की हड्डी टूटी है। अच्छा, मेरे लिए क्या हुक्म है सर? अच्छा तू भी यही है? ये ले, देर मत कर। जी तू भी निकल। जी लालच और कमीनेपन की हद होती है, ऐसे ही डॉक्टरों की वजह से डॉक्टरों की समूची कौम बदनाम होती है। ओह बताना भूल गया, मैं वही हूं जो आपसे शुरू में मिला था, याद आया? चलिए अब कसाईयों के संसार में चलते हैं। निशी। यस सर। तुम्हारे साथ नाइट शिफ्ट की ड्यूटी करते करते पता ही नहीं चलता। सर मुझे भी। अरे सर चाय तो पीजिए, ठंडी हो जाएगी। हाँ सर, सर। हाँ पप्पू। इमरजेंसी, दो पेशेंट हैं। ले आओ अंदर आईसीयू में। जी निशी चलो। यस सर। डॉक्टर साहब तबीयत कैसी है राहुल और विक्की की? वो जो एक्सीडेंट वाला केस है। जी डॉक्टर साहब। आप लोग? मैं बाप हूं उनका। ओके देखिए वो जो राहुल है वो अभी बेहोश है, हालत गंभीर है। दूसरे को कई जगह फ्रैक्चर हुआ है, इंटरनल ब्लीडिंग भी है, कॉलर बोन टूट गया है। राहुल के साथ उसको भी अभी ऑब्जर्वेशन के लिए आईसीयू में रखना पड़ेगा। डॉक्टर साहब कुछ भी करके दोनों को बचा लीजिए। आप धैर्य रखिए, हम कोशिश करते हैं। जी।
ये एम्बुलेंस ड्राइवर भी लुटेरे डॉक्टरों के रैकेट का प्यादा है। पक्का अपनी सेटिंग करने के लिए डॉक्टर से मिलेगा। सुनता हूँ क्या बातें करते हैं। सर पप्पू जी मैं जाऊं? मेरे लिए कोई काम? अच्छा एक मिनट रुक, ये रख, 1000 हैं। सर जी महंगाई बढ़ती जा रही है, अब तो बढ़ा दो, पिछले 5 साल से यही रेट है, कुछ तो बढ़ा दीजिए डॉक्टर साहब। संजीवनी वाले तो 1300 देते हैं। पप्पू अच्छा चल ठीक है, करते हैं कुछ। वैसे वो दोनों पेशेंट कैसे हैं सर? एक का तो कुछ नहीं हो सकता, वो तो गया। गया? हे भगवान, वो बेचारा मर भी गया और ये ऐसे बोल रहा है जैसे मरीज अभी बेड पर लेटा हुआ सास बहू के सीरियल देख रहा हो। सर और वो दूसरा वाला? दूसरा वाला? हाँ। दूसरे वाले को कुछ खास नहीं हुआ है, बस कलाई की हड्डी भर टूटी है, 2-4 घंटे आईसीयू में लिटाकर थोड़ा बिल बढ़ाकर डिस्चार्ज कर देंगे। लुटेरे कहीं के, किसी की मजबूरी का फायदा उठाने में इन्हें तो शर्म भी नहीं आती। ऐसे लोगों के सामने तो चंबल के डाकू भी कुछ नहीं। सच। मैं चलता हूं साहब, आप काटिए तब तक ऐश। अब मैं एम्बुलेंस लगा रहा हूं पार्किंग में, कल सुबह की ड्यूटी है साहब, रात में राधे श्याम होगा। हाँ सर, वो रेट रिवाइज करने का याद रखिएगा। हाँ ठीक है, करता हूं कुछ। हे ईश्वर, उस इंसान से मुलाकात तो करवा दो जिसने ये झूठ बोला था कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप है, कसम से उसके दांत तोड़ दूंगा। अब जरा अंदर घुसने का बंदोबस्त करता हूं। वो पप्पू कहाँ गया? ए भाई किधर जा रहे हो? ए सुनो सुनो, हाँ आपसे ही बोल रहा हूँ। अरे गार्ड साहब, मैं पप्पू भैया के साथ आया हूँ ना। अच्छा। गाड़ी लगाने गया था पीछे पार्किंग में। ठीक है ठीक है, अच्छा। ओह इधर तो 4-5 एम्बुलेंस खड़ी हैं। सरकार बोलती है सड़क पर एम्बुलेंस को रास्ता दो, मरीज की जिंदगी का एक एक पल कीमती होता है, पर ऐसे अस्पतालों डॉक्टरों का क्या करें? हम जिसे एम्बुलेंस कहते हैं वो तो कई अस्पतालों के लिए, कई डॉक्टरों के लिए बकरा वाली वैन ही तो है। कहाँ गया वो पप्पू जी महाराज? हाँ वहाँ है शायद, मुर्दा ढोने वाली गाड़ी के पास। 3-4 लोग जमा हैं। अच्छा गुरु, तो यहाँ दारू पी जा रही है, एक गिलास भरा रखा है शायद पप्पू के लिए। मैं ऐसा करता हूँ, मैं यहीं छिप जाता हूँ, यहाँ ठीक रहेगा। अरे पप्पू! अरे भाई उठा गिलास अपना और बता कैसी रही। तेरे वाले मरीज कैसे हैं? सुना कोई एक्सीडेंट का केस था? हाँ यार, दो थे। एक तो पहले ही टपक गया था। ओह। और दूसरे को थोड़ी बहुत चोट लगी है, हाथ टूटा है। पर तू तो जानता ही है, एक बार यहाँ आ गया तो डिस्चार्ज तो तभी होगा जब अस्पताल चाहेगा। उस टूटे हाथ वाले का भी MRI स्कैन, इको, ECG, PCG, DCG पता नहीं क्या क्या करवा रहे हैं। अरे भाई इनका क्या है, ये तो अभी CBC, LFT, KFT, इंडोस्कोपी सब कुछ करवाएंगे। सही कहा यार। जबकि काम सिर्फ प्लास्टर से ही चल जाता, हर मशीन का किराया वसूल कर ही मरीज की विदाई होती है यहाँ पर। हाँ भाई है तो धंधा ही। अच्छा ना, हमें क्या अपनी दिहाड़ी मिल जाती है बस। अरे सुन, हाँ? कल बड़े डॉक्टर साहब पार्टी दे रहे हैं। हाँ वो तो वो हर हफ्ते देते हैं। भैया धंधे वाला आदमी है, सबको खुश रखना पड़ता है। मेडिकल कॉलेज वालों को भी बुलाया, अफसरान लोगों को भी बुलाया, और तो और वो दवाई कंपनी वाले और शहर के सारे अमार को बुलाया। मैंने डॉक्टर मेहरू को कहा
कि भाई हमें नहीं बुलाया तो बकरे कहीं और ले जाने लगेंगे। फिर क्या बोला वो कंजूसी लाल? अरे बोलना क्या था, आने के लिए बोला और क्या। मैंने और सुधीर ने तो उससे साफ कह दी, भाई इस बार सस्ती वाली में बिल्कुल नहीं मानने वाले, इंग्लिश चलेगी वही, जो अंदर चलेगी वही हमारे लिए भी होनी चाहिए। अब मान गया वो, अब पीछे वाले कमरे में हमारा इंतजाम हो जाएगा टन टना टन। अच्छा वाह वाह वाह, चल भाई। इनकी लाजवाब हरकतों के बारे में जितना सोचो उतना ही कम पड़ता है, कुछ तो करना ही होगा। देखिए जी, हर अस्पताल हर डॉक्टर यही चाहता है कि उसका पेशेंट हंसता मुस्कुराता अस्पताल से बाहर निकले। जी डॉक्टर। पर उन्हीं को कौन टाल सकता है? अब देखिए ना, एक ही एक्सीडेंट में दोनों को बराबर चोट लगी, एक बच गया, दूसरे को लाख कोशिश करने के बाद भी हम नहीं बचा पाए। क्या हे भगवान, हे भगवान। मेरा छोटा वाला बेटा कैसे है डॉक्टर साहब? अपने आप को संभालने की कोशिश कीजिए, वो अब तो ठीक है। आपने अच्छा किया कि उसे भी यहीं ले आए, उसकी भी हालत बहुत अच्छी नहीं थी, पर थैंक गॉड वो बच गया। क्या कमाल का नाटकबाज है ये, अभी उसके कलाई की हड्डी पर टूटी थी, प्लास्टर चढ़ाने भर का काम था, पर नोट लूटने के चक्कर में ऐसे बढ़ा चढ़ाकर बता रहा है जैसे वो भी मरने वाला ही था, कमाल है। एक काम कीजिए आप, आप अब मरीज को ले जा सकते हैं, डिस्चार्ज स्लिप बनवा दिया है मैंने, और डेड बॉडी भी ले जा सकते हैं, जाकर काउंटर पर जो पेमेंट बैलेंस है वो कर दीजिए। जी कि डॉक्टर साहब, कितना पेमेंट करना है? आपने अभी तक मेरे ख्याल से 50,000 एडवांस पेमेंट किया है। जी ओके, बाकी बचे हैं 1,45,000। 1,45,000? बोल ऐसे रहा है जैसे 1 रुपया 45 पैसे मांग रहा हो। एक लाख पैंतालीस हजार इतना पैसा तो नहीं है हमारे पास डॉक्टर साहब। क्या मतलब नहीं है, बिल तो भरना पड़ेगा, उसके बगैर डेड बॉडी नहीं दे सकते हैं हम आपको। डॉक्टर साहब दो ही बेटे थे हमारे, बड़ा जय जिसकी मौत हो चुकी है। डॉक्टर साहब हम मट्टी तो खराब ना करो, दो छोटे छोटे बच्चे हैं इसके। हम आपकी मदद कुछ नहीं कर सकते, अस्पताल के एमडी डॉक्टर गुप्ता का यही आदेश है। हम उनसे कुछ आमद कर लेंगे डॉक्टर साहब, आप बस मिलवा दीजिए उनसे, उनके दिल में लाचारों गरीब बाप के लिए कुछ तो दया होगी, बड़े डॉक्टर हैं वो, आप बस हमें मिलवा दीजिए डॉक्टर। हो मिलवा दीजिए। बेचारा, अब इसे कौन समझाए कि ये उन डॉक्टरों में नहीं है जिन्हें लोग भगवान मानते हैं। अरे ये तो वो डॉक्टर हैं जिनके लिए डॉक्टरी जैसा नेक काम भी एक धंधा है, धंधा, प्योर बिजनेस। देखिए एमडी साहब आप लोगों से नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे, पर डॉक्टर साहब कम से कम फोन पे ही बात करवा दीजिए। ओहो आप लोग भी, अच्छा ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। हेलो सर, वो बेड नंबर 17 और वो जो एक्सीडेंट वाला केस था ना, हिज फादर वांट्स टू टॉक टू यू सर। व्हाट हैपेंड सर? वो कह रहे हैं कि उनके पास अब पैसे नहीं है बिल जमा करने के लिए। आप बात कराओ मेरी। जी लीजिए बात कीजिए सर। जी हेलो मालिक, डॉक्टर साहब हम गरीब लोग हैं, किसी तरह से 50,000 जमा करके दिए हैं, अब कहते हैं कि 1,45,000 और जमा कराओ तभी लाश मिलेगी। सुनो
सुनो हमने कोई खैराती अस्पताल नहीं खोल रखा है। बिल जमा करो और अपने बेटे की लाश ले जाओ, समझे? डॉक्टर साहब, हम लोग सचमुच गरीब है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, मेरे बेटे की लाश दे दीजिए। सिक्योरिटी, इनको बाहर निकालो। डॉक्टर साहब, ऐसा मत करिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, डॉक्टर छोड़ो, मैं डॉक्टर से बात नहीं। चलिए बाहर, चलिए बाहर। अब कुछ करने का वक्त आ गया है। कुछ जज्बाती और जागरूक युवाओं, एनजीओ वालों और एक्टिविस्ट को खबर करनी है और अखबार वालों को भी ये कहानी बतानी होगी। देखता हूं। आगे देखिए होता है क्या। भाई कोई बता रहा था कि वो बंदा तो यहाँ भर्ती होने से पहले ही मर चुका था। अरे पहले ही मर चुका था तो अस्पताल ने इलाज किया किसका? अरे ये उन्हीं डॉक्टरों में से हैं जो मरे हुए मरीज को भी बेड पर रखे रहते हैं 3-4 दिन। रिश्तेदारों को बोलते रहेंगे कि इलाज चल रहा है, इलाज चल रहा है, और मोटा सा बिल बताकर थमा देते हैं। इन लोगों को तो जेल भेज देना चाहिए, जेल। अब तो हम तभी हटेंगे जब इस अस्पताल का लाइसेंस कैंसिल होगा। डॉक्टर गुप्ता, यस, कौन हो तुम? मुलाकात ठीक रही तो दोस्त, वरना दुश्मन। क्या मजाक है ये? अपनी शक्ल पे से कपड़ा तो हटाओ, चेहरा दिखाओ, नाम पता भी बताओ, तभी तो बात होगी। डॉक्टर साहब, नाचीज को झाड़ झंखाड़ सिंह कहते हैं, पत्रकार हूँ, खोजी पत्रकार, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। बात करनी है। क्या बात करनी है आपको? आपसे नहीं, डॉक्टर गुप्ता आपके मालिक, इस अस्पताल के MD से बात करनी है। आपको लगता है कि वो खटमलों से बात करेंगे? बात तो सोचने की है। आपके पास लैपटॉप है? जरा इस पेन ड्राइव को लगा कर देख लें। और हाँ, बीच बीच में अस्पताल के बाहर जमा शोर मचाती, चीखती चिल्लाती भीड़ पर भी नजर डालते रहिएगा। तब तक मैं आपके जवाब के इंतजार में बैठा हूं। लीजिए इस पेन ड्राइव को तो पकड़िए, लीजिए लीजिए। तब तक मैं आपके इस फ्रिज से कुछ ठंडा खुद ही ले लेता हूं, गर्मी बहुत है आज। क्यों, ले जा। वैसे डॉक्टर साहब, दोनों पेशेंट की हालत कैसी है? देख, एक तो निकल चुका है, दूसरे को कुछ खास हुआ नहीं है, सिर्फ कलाई की हड्डी टूटी है। अच्छा, कुछ तो बढ़ा दीजिए डॉक्टर साहब, संजीवनी वाले तो 1300 देते हैं। पप्पू, अच्छा ठीक है, करते हैं कुछ। वैसे वो दोनों पेशेंट कैसे हैं सर? एक का तो कुछ नहीं हो सकता, वो तो गया गया। अरे भाई उठा गिलास अपना और बता कैसी रही। तेरे वाले मरीज कैसे हैं? सुना कोई एक्सीडेंट का केस था? हाँ यार, दो थे। एक तो पहले ही टपक गया था और दूसरे को थोड़ी बहुत चोट लगी है, हाथ टूटा है, पर तू तो जानता ही है, एक बार यहाँ आ गया तो डिस्चार्ज तो तभी होगा जब अस्पताल चाहेगा। उस टूटे हाथ वाले का भी MRI स्कैन, ईको, ECG, PCG, DCG, पता नहीं क्या क्या करवा रहे हैं। अरे भाई इनका क्या है, ये तो अभी CVC, LFT, KFT, इंडोस्कोपी सब कुछ करवाएंगे। क्या है ये, कौन हो तुम? क्या ख्याल है, गुप्ता से मुलाकात कराओ। क्या लगता है तुम्हें, इसके दम पर तुम डॉक्टर गुप्ता जैसी शख्सियत को ब्लैकमेल कर लोगे? जेल नहीं जाना तो भाग जाओ यहां से। तुम्हें नहीं लगता कि तुम आग से खेलने निकले हो?
तुम्हें नहीं लगता कि नौकरों को मालिकों वाले डिसीजन नहीं लेने चाहिए? उसे बताओ, वरना ऐसा ना हो तुम्हें नौकरी खोकर पछताना पड़े, समझे? तो ये तुम हो जो पिछले एक हफ्ते से बाहर भीड़ जमा कर रहे हो? जल्दी बोल, क्या बोलना है? मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। टाइम तो मेरे पास भी नहीं है। मैनेजर ने जो कुछ बताया वो फिर से देखना सुनना है या बात आगे बढ़ाऊं? हो गया, या और कुछ? डॉक्टर गंगवार ने लिखकर दिया है कि उस पेशेंट की डेथ हो चुकी थी। कल मंत्री जी ने भी मान लिया है कि डॉक्टर गंगवार का शपथ पत्र आपको जेल भेजने और अस्पताल पर ताला लगवाने के लिए पर्याप्त है। हेलो सर, एसपी सिटी अजय चौधरी जी लाइन पर है। डॉक्टर गुप्ता, ये क्या मामला है? डीएम साहब के पास आपकी कंप्लेंट आई है, शायद जांच कमेटी बैठ रही है, ऊपर से बहुत प्रेशर है। आप जल्दी मामले को निपटाइए, अदरवाइज कहानी बिगड़ जाएगी, कुछ नहीं कर पाएंगे हम फिर। जी सर, करता हूँ। जल्दी करिए। डॉक्टर गुप्ता, आपके चेहरे का रंग उड़ रहा है, सब ठीक तो है? एसी तो फुल चल रहा है पर आपके माथे पर पसीना। साफ साफ बोलो, क्या चाहते हो? पूरे 50,000 जो तूने उस बूढ़े बाप से लिए थे। ये लो, 50,000। पूरा है? हाँ पूरा ही होगा। गुड डे डॉक्टर गुप्ता, सी यू। थैंक यू जी, थैंक यू। नहीं यार, थैंक यू हमें कहना चाहिए। आज तेरी वजह से परिवार वालों को लाश भी वापस मिल गई और पैसे भी नहीं देने पड़े। सही बात है। सुना है उसके इलाज की फाइल पुलिस ने कब्जे में ले ली और अस्पताल पर ताला जड़ने की तैयारी भी चल रही है। हाँ, सही सुना है। अच्छी खासी बैंड बजी है गुप्ता की। और वो डॉक्टर गुप्ता अब तो खुद को बचाने और अस्पताल को बचाने के लिए मारा मारा फिर रहा है बेचारा। कभी पुलिस, कभी कोर्ट, कभी मेडिकल एसोसिएशन और कभी मिनिस्ट्री। सबके चक्कर पे चक्कर, चक्कर पे चक्कर लगा रहा है भाई। वो गुप्ता पूरा कट गया या अभी बाकी है कुछ? देखो भाई, अभी तो शुरू हुआ है, उसे और नुचना है ऊपर से लेकर नीचे तक। बिल्कुल। जब कसाई ना बकरा बनकर कटता है ना तो सस्ता नहीं छूटता। बिल्कुल सही कहा आपने। मजा आ गया, दूसरों को बकरा बनाने वाला कसाई अब खुद बकरा बन गया। सही कहा आपने, खुद बकरा बन गया। अच्छा एक बात बता। हाँ हाँ। जो गुप्ता से 50,000 लिए थे उनका क्या किया तुमने? हाँ उसका क्या किया ये बता। अरे करना क्या था, उस बूढ़े बाप को दे आया जिसका बेटा मर गया था। अरे लो भाई, गर्मा गर्म जलेबी खाओ। हाँ ये लो भाई। हाँ, उस कसाई के नाम जो आज खुद बकरा बन गया। कसाई बना बकरा। अभी आप सुन रहे थे नाटक कसाई बना बकरा। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे दिनेश वर्मा, राजीव शर्मा, ब्रजमोहन यादव, मनोज बिसारिया, प्रवीण शर्मा, दानिश इकबाल, श्रीराम शर्मा, संजीव अग्निहोत्री, उमेश दीक्षित, एस एम शरीफ और प्रियंका अरोड़ा। प्रस्तुति सहयोग विजय लक्ष्मी शर्मा का था। नाट्य रूपांतरकार और निर्देशक थे विनोद कुमार। नाटक के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें cdu.air@gmail.com पर भेज सकते हैं।